गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट पंजाबी। बेटा आज आप साहित्य किरणा का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गुम ने रसोई विचों, जिस लेखक का नाम की है कश्मीर नीर। बेटा इस चैप्टर दे विच की है, गुम ने रसोई विचों चाटियां मधानियां, बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सुआनियां, खान पीन पहरावा अपना गुआचिया, बगिया ने पछमी हवावां मर जानिया। पहला की आएगा बेटा प्रसंग, प्रसंग दे विच वही सेम चीज लिखांगे। एक आप सत्रा साहित्य किरणा दो पाठ पुस्तक विच दर्ज कश्मीर नीर दी लिखी हुई कविता गजल गुम ने रसोई विचों लईयां गईयां हन। बेटा मेन मकसद की हुंदा प्रसंग दे विच, राइटर दा नेम लिखना और केड़ी बुक दे विचों लई गईयां हन ते लेखक दा नाम लिखना। इस गजल विच कवि ने की कहा है, जो पंजाबी विरसा है वो अजकल अलोप हो गया है, पहला वाला पंजाबी विरसा अलोप हो गया है, भाव गायब हो गया है, जिसनू कवि ने अपनी इस गजल विच पेश किया है कि किस तरह लोग उदास हो गए हैं, किस तरह पछमी प्रभाव पंजाब उपर आके पै गया है। व्याख्या, व्याख्या दे विच की कहिंदा कवि, गुम ने रसोई विचों चाटियां मधानियां, बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सुआनियां। इस इन्ह लाइनों में कवि की कहता है, जो आधुनिक पंजाब का जनजीवन है, मतलब जो लोगों का अजकल पहरावा है, रहन सहन है, खान पीन है, उसनों लैके जिक्र करता होया कवि लिखता है, और पंजाबी विरसे नू याद करता है पहला वाले नू, कहता अज के समय विचो रसोई विचो चाटियां ते मधानियां गायब हो गई हैं। चाटियां की हुंदियां सी बेटा, दुध रिड़कन वाला मिट्टी का भांडा। मधानियां की हुंदा सी, दही आदि रिड़कन, मधानी जिहदे नाल आपां दही वगैरह रिड़कदे हाँ, वो अजकल गायब हो गई हैं। बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सुआनियां, अजकल दियां औरतां जिहड़ियां उन्होंने बर्गरां ते पीजियां ने बधेरे प्रभावित किया है, मतलब कि अजकल दियां जिहड़ियां औरतां हैं वह बर्गर पीजे खा के ज़्यादा राजी हैं, उन्होंने इस सुआनियां की हुंदा औरतां। खान पीन पहरावा अपना गुआचिया, बगियां ने पछमी हवावां मर जानियां। इसलिए दुध दही लस्सी नूं छड्ड के चटपटियां बाजारू चीज़ां खाण लई अजकल उतावले हर लोग रहिंदे हन। अगे कवि की कहिंदा है, कहिंदा खाण पीन तो इलावा की अजकल दा पहरावा भी बड़ा बदल गया है, जिथे पछमी सभ्याचार तो प्रभावित खाण पीन ने नाल बदल गया है, उस तरह अजकल पहरावा भी बदल गया है। पहला की सी लेडीज औरतां सलीकेदार पहरावा पहनदियां सन, परंतु अजकल की है ज़्यादातर वैस्टर्न ड्रैसिज पछमी ड्रैसिज वल ज़्यादा लोगों का झुकाव हो गया है। ऐसी हनेरी चल गई है कि पंजाबी विरसा तो उड ही गया है, गायब ही हो गया है। एसी कूलरां दे हुण हो गए मुहताज ने, जेड़िया जवाना हिक्का लूआं च सितानियां। व्याख्या, प्रसंग सेम आ जाएगा बेटा। व्याख्या विच कवि की कहिंदा है, कहिंदा अज दी जिहड़ी सोहल भरी अजिही जिंदगी बारे दसदा होया की कहिंदा है, अजकल साडे शरीर है एसी कूलरां दे मुहताज हो गए हैं, भाव अजकल लोग एसी ते कूलरां बिना नहीं रह सकते। वो भी कदे देश हुंदा सी जिहड़ा पंजाबी जवान कदे अति गर्मी नूं, मतलब पूरी गर्मी विच देश दी खातर बॉर्डर ते खड़े रहिंदे सन, बॉर्डर ते सीने तान के अति गर्म बहुत गर्मी विच खड़े रहिंदे सन, वो अज एसी कूलरां तो बिना नहीं रह सकते, भाव उन्हां दी सहनशीलता खत्म हो गई है। नौ नौ इंच गद्दियां ते हुंदियां नसीबना, नींदरां जो दिंदियां सी मंजियां अलानियां। प्रसंग सेम आ जाएगा बेटा, ये कवि की कहिंदा है, कहिंदा अजकल जीवन इन्ना बेचैनी भरिया हो गया है, मतलब कि किसी बंदे नूं चैन नहीं है, बेचैन है। अज के समय में हर मनुख नूं पैसे की दौड़ लगी हुई है कि मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वो इन्नियां मानसिक परेशानियों में घिरिया होया है कि अजकल हर एक दे घर विच नौ नौ इंच के गद्दे हुंदे हन, परंतु फिर भी उसनूं आराम की नींद नहीं आती। कोल सॉफ्ट नद्दे गद्दे मोटे ते नरम गद्दे हुंदे हन, परंतु ओह जिही नींद नहीं आती जो कि कदे हड्ड भन्नवी मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करन तो बाद अलानी मंजी ते पैंदिया ही आ जाती सी। दोरी डंडे चक्कियां उखलियां ते चरखे सैकड़े ही मोइयां मंजियां चीज़ां हो के निमानियां। इन्हां लाइनां विच कवि की कहिंदा है, कहिंदा बहुत सारियां घरेलू वरतों विच होण वालियां चीज़ां बारे दसदा है, कहिंदा अजिहियां काफ़ी चीज़ां हन जो कि गायब हो गई हैं, जिवें दोरी कंडे। ना तो अजकल किसी के घर दोरी कंडा है, ना चक्की है, ना कोई आटा पीन वाली चक्की है, ना किसी के घर उखलियां हैं, ना ही चरखे हैं, ये सब कुछ गायब हो गया है। इस तो अलावा कहना सैकड़े होर बहुत सारिया चीज़ा हैं जड़ियाँ के बेकदरिया हो गई हैं, भाव खत्म हो गई हैं, जिसकी थान पर अजकल मशीन आ गई हैं।
ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਰਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੇਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਰਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੈੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੈੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਹਾਲ ਬਾਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣਤ ਸਾਂਝ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੁਗ ਜੀਨ ਯੁਗਤਾਂ ਨਿਤਾਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੀਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਭ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਬਏ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੱਗ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।